नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। बिहार में मक्का किसानों को लागत से कम मिलता है दाम। काहिरा में इजिप्ट की अदालत ने 600 से अधिक बंदियों और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया। देश में 24 घंटों में 47,638 नए मामले, कुल मामलों की संख्या 44 लाख के पार। कोरोना संक्रमण, हर्ड इम्यूनिटी तो दूर की बात, क्या प्रोजेक्शन भी गलत थे। लाभ की बात छोड़िए, इस साल मक्का की लागत भी नहीं निकली है, इस बार भी भारी नुकसान हुआ है, क्या करें। सरकार केवल ढोल पीटती है कि किसानों को MSP मिल रहा है, किसानों की आय बढ़ने के सभी दावे झूठे हैं। यह कहना है त्रिलोक दास, जो कि बाढ़ वाले क्षेत्र कोशी से मक्का बोने वाले किसान हैं उनका। यह वह इलाका है जिसे सीमांचल क्षेत्र के साथ मक्का की खेती के मुख्य केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। त्रिलोक हजारों मक्का उगाने वाले किसानों में से एक हैं, जो सरकार का समर्थन न मिलने से काफी पीड़ित हैं, क्योंकि उन्हें मक्का की फसल के मुकाबले न्यूनतम समर्थन मूल्य मुश्किल से मिलता है, जिसके चलते उन्हें अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। पिछले साल के मुकाबले जब उसने और दूसरे किसानों ने असाधारण रूप से ऊंची दरों पर मकई को बेचकर अच्छा खासा लाभ कमाया था, इस साल मजबूरी में संकटपूर्ण बिक्री से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने बताया कि मैंने इस बार स्थानीय व्यापारियों को 900 रुपये से लेकर 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मक्का बेचा है, जबकि पिछली बार मक्के का दाम 1,800 रुपये से लेकर 2,000 रुपये क्विंटल तक था। यद्यपि केंद्र सरकार ने मक्का की MSP 1,760 रुपये प्रति क्विंटल तय की थी। मधेपुरा जिले में बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुरलीगंज ब्लॉक के रजनी गांव के निवासी त्रिलोक ने बताया कि अप्रैल में मक्के की फसल खड़ी थी, लेकिन बेमौसम भारी बारिश ने तबाह कर दिया। मुझे 2019 की तरह इस फसल से अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद थी, हालांकि मैं गलत साबित हुआ। लॉकडाउन की वजह से मांग में गिरावट आने से कीमत गिर गई है, इस सब ने मेरे जैसे किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया। यह हाल है बिहार में मक्का के किसानों का। मिस्र में राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी की दमनकारी सत्तावादी सरकार को एक बड़ा झटका तब लगा जिसमें पत्रकारों, वकीलों और ब्लॉगर्स सहित 600 से अधिक राजनीतिक कैदियों और अन्य बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनीतिक नेताओं दूसरों के बीच बुधवार 4 नवंबर 2020 को स्वतंत्र मिस्र के समाचार पोर्टल माडामास और अन्य की रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला लिया गया है। माडामास रिपोर्ट के अनुसार देश की राजधानी काहिरा में आपराधिक अदालत ने हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें अलग अलग मामलों के तहत रिमांड हिरासत में रखा जा रहा था। हिरासत में लिए गए लोगों के परिवार के सदस्यों और वकीलों ने कहा है कि 300 से अधिक बंदियों को मंगलवार को रिहा कर दिया गया था। आने वाले दिनों में और कैदियों और बंदियों को रिहा किए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 6 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 47,638 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 670 मरीजों की मौत भी हुई। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 54,157 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और अब कुल एक्टिव मामलों में 7,189 मामलों की कमी आई है। देश भर में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 44,11,724 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,24,985 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0.12% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट 92.32% हो गया है, यानी अब तक कुल मरीजों में से 77,65,966 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 6.19% यानी 5,20,773 हो गई। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 11,54,29,095 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 12,20,711 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। वहीं दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक मॉडल बनाया था जिसमें यह कहा गया था कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर की जा चुकी है और 30% से ज़्यादा जनता कोरोना का शिकार हो चुकी है, पर इस मॉडल में प्रयोग में लाए गए तरीके अंतर्राष्ट्रीय मानकों में खड़े नहीं उतरते हैं, ऐसा मानना है वरिष्ठ वैज्ञानिक सत्यजीत रथ का। आइए सुनते हैं।
डॉक्टर नाथ, अगर हम डीएसटी के सुपर मॉडल को देखें जो हमने पिछले हफ्ते अंग्रेजी में बातचीत की थी, उसमें आज फिर उन चीजों को दोहराऊंगा नहीं, कि दो मुख्य बात आपने कही थी। एक तो है कि एसिम्प्टोमैटिक केसेस और जो डिजीज जिनमें लक्षण जिसमें दिखाई पड़ते हैं बीमारी की, इसकी कोई ऐसी बुनियादी ऐसी कोई चीज नहीं है इसके एक फिक्स्ड रेशियो जो डीएसटी के सुपर मॉडल मान के चल रहे थे ऐसा किया जाए, ना कि आज तक कहीं भी किसी भी जगह पे इस तरह की कोई निष्कर्ष पे कोई पहुंचा है। तो एक अनोखी बात उन्होंने अपने मॉडल में शामिल की जिसके कोई बुनियाद नहीं थी। दूसरी बात आपने कही थी कि ये जो एपिडेमिक है इस तरह से बताना कि ऐसे चलेगा वैसे चलेगा ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एपिडेमिक कॉम्प्लेक्स चीज है, वो कहीं एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, कैसे बढ़ती है, उसको इस तरह मॉडल से कम अरसे के अलावा बताना मुश्किल है। तो ये दूसरी बात पे मैं आना चाहता था, आपने जो पिछले हफ्ते जिक्र की थी कि अभी अगर हम देखें चंद हफ्ते ही हुए हैं कि इनका डीएसटी के मॉडल हमारे सामने पेश हुई है। अब दिल्ली की अगर फिगर देखें जो उन्होंने कहा था कि उनका दोनों पीक उन्होंने काफी अच्छी तरह उन्होंने एस्टिमेट किया है, काफी एक्यूरेट रहा है उनकी एस्टिमेट, 3-4 दिन की फर्क होगा, पीक्स की वैल्यूज बड़े आसपास है। हम देख सकते हैं उनके चार्ट के मुताबिक जो इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपी है कि इस वक्त दिल्ली में सेकेंड पीक के बाद उनके मॉडल के तहत ये फिगर्स लगातार घटता जाना चाहिए था, उसकी जगह पर इस वक्त वो बढ़ रहा है। बल्कि हमारी जो तीसरी पीक, दिल्ली में दो पीक पहले भी हो चुकी है, तीसरी पीक इस वक्त पहले दो पीक से ज्यादा है। तो ये क्या दर्शाता है कि इनकी मॉडल एक छोटे पॉपुलेशन दिल्ली भारतवर्ष के कंपैरिजन में, उसमें अगर दो हफ्ते के अंदर ये गलत साबित हो जाती है तो मॉडल में क्या दर्शाता है? तो आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी हमने इस मुद्दे पर थोड़ी बहुत बातचीत की है, और अब दिन ब दिन ये महसूस होने लगा है कि उनकी जो भविष्यवाणियां हैं उनके प्रतिमानक की, उनकी उनके मॉडल की, वो खरी नहीं निकल रही। तो पूछने वाली बात है ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात तो जो आपने सांख्यिकी विज्ञान के आधार पर कही, स्टेटिस्टिक्स के आधार पर कही कि उनके मॉडल में कई स्टेटिस्टिकल वैज्ञानिक खामियां हैं, जो कई लोगों ने उस पे कुछ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसे भी छोड़िएगा, असली बात तो ये है कि जो फर्क पड़ते जा रहा है उनकी भविष्यवाणियों और असलियतों के बीच, वो ये दर्शाता है कि हम इस महामारी के फैलाव को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और इस नासमझी में दो मुद्दे हमने ध्यान में रखने चाहिए। एक मुद्दा ये है कि अभी तक ये महामारी उभरती है, अभी तक ये फैल रही है, ऊपर आ रही है, लहरें उस इसकी निकल के इधर उधर जा रही हैं। ऐसे अरसे में, ऐसे वक्त में इसे गणितीय सिद्धांतों में बिठवाना कोई आसान बात नहीं है। जब कभी ऐसे गणितीय सिद्धांतों में महामारी के फैलाव को बिठवाना जायज है तो वो महामारी के खत्म होने के बाद, जब पूरा का पूरा सबूत, सारे आंकड़े हमारे पास हैं, भूतकाल में हमने सारा मापन किया हुआ है, और अब निश्चित रूप से आंकड़ों के आधार पर हम कुछ सिद्धांत तय कर सकते हैं। आज का वक्त वो वक्त नहीं है। आज का वक्त, इस कोविड-19 की महामारी का वक्त, अभी उभरती हुई महामारी का वक्त है, ना कि बीती हुई महामारी का वक्त। तो मॉडल्स को लेकर हमने
इतना उछल कूदना नहीं चाहिए जितना भारत सरकार और भारत सरकार के गिने चुने वैज्ञानिक उछल कूद रहे हैं इस शोध निबंध में जिसका जिक्र अपन कर रहे हैं, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपी। ये हुई एक बात। लेकिन दूसरी बात जो आपने दिल्ली का जिक्र किया कि दिल्ली में एक उभार आया आंकड़ों में, फिर आंकड़े नीचे गए, फिर दूसरी लहर आई वो नीचे गई, और इस शोध निबंध कर्ताओं के अनुसार अब आंकड़े कम ही कम होते जाने चाहिए थे, जो असलियत में हुआ नहीं है। तीसरी लहर आ रही है ऐसा महसूस हो रहा है, और वो भी काफी तगड़ी लहर है। लेकिन मैं इससे थोड़ा हटकर एक बात करना चाहूंगा, और वो ये है कि मैं जैसे बार बार अपनी चर्चाओं में कहते आया हूं, वायरस दिल्ली को नहीं पहचानता। वायरस के लिए दिल्ली में फैलाव ऐसी कोई घटना है ही नहीं। वायरस मोहल्लों में फैलता है, वायरस वहां फैलता है जहां मोहल्लों में लोगों की एक दूसरे से लेन देन बहुत नजदीकी है, तभी सांस से सांस लगने से वायरस फैलता है। तो हमने सही सवाल ये नहीं पूछना चाहिए कि हमारे राजनीतिक भूगोल में, जैसे कि दिल्ली है, वायरस कैसे फैल रहा है। हमने सवाल ये पूछने चाहिए कि हमारे मोहल्लों मोहल्लों में वायरस कैसे फैल रहा है, और मोहल्लों में वायरस कैसे फैल रहा है ये जानने के लिए हमारी जो जांच पड़ताल की सीमा रेखाएं हैं वो मोहल्लों के लिए होनी चाहिए। उनकी जो प्रमाण है, उनके जो स्केल्स हैं, वो आज के बतौर बहुत बड़े अरसे पर होनी चाहिए। जब तलक हम वो नहीं करेंगे तब तलक हम इस तरीके से भ्रामक आंकड़ों के अनुमान पर आधार पर भ्रामक अनुमान लगाते रहेंगे। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।